चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आगे के टॉपिक में। हम लोग कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले की वीडियो हमने रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, और भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो रेशियो प्रोपोर्शन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हमारे जूनियर एंडेड जो परीक्षा है उसमें ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आइए तो बात करते हैं आज हम लोग आगे। तो बेसिकली हमने आपको वन टाइप के क्वेश्चंस बता दिए थे। कौन से क्वेश्चंस बताए थे, मैं आपको क्विक 2 मिनट का रिविजन करा देता हूँ, जो मैंने टाइप के क्वेश्चन बताए थे टाइप वन में। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग टाइप टू के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप वन के क्वेश्चंस हमने करा दिए थे आपको। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर हमारे पास ए रेशियो बी, अगर हमारे पास एक्स रेशियो वाई है, और हमारे पास बी रेशियो सी है ना, पी रेशियो क्यू है, ऐसा कुछ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने करवाए थे। और अगर हमको फाइंड करने बोलता है, क्या ए रेशियो सी फाइंड करने बोलता है तो कैसे निकालेंगे, या फिर हमको ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करने बोलता तो कैसे निकालें, ये सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब भी हम ए रेशियो सी फाइंड करेंगे तो इनके पहले वाले टर्म्स को पहले साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले को दूसरे के साथ जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ये तरीका हमने बताया था। ठीक है, और हमने इसका रेशियो निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि पी से आप दोनों को गुना करो। ठीक है, पी से दोनों को गुना करो, क्या आ जाएगा, पी एक्स रेशियो पी वाई रेशियो, फिर क्यू को वाई से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था कि आप इसके रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू पी रेशियो क्यों दिया हुआ है, तो आप ए रेशियो सी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसानी से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे आगे के टॉपिक पे, यानी कि टाइप टू के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आपने अगर पहला पार्ट देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो पहला पार्ट जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। टाइप टू में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हमारे पास दिया हुआ है ए रेशियो, ठीक है, बी रेशियो, ए रेशियो बी, थोड़ा देखते हैं ए रेशियो बी। ठीक है, अगर हमारे पास टाइप टू के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस टाइप के दिए हो जाएंगे आपको, अगर हमारे पास ए रेशियो बी दिया हुआ है क्या, ठीक है, एक्स रेशियो वाई ऐसा कुछ, और हमारे पास दिया हुआ है बी रेशियो सी, क्या दिया हुआ है, पी रेशियो क्यू। ठीक है, एंड और हमारे पास क्या दिया हुआ है, और हमारे पास दिया हुआ है सी रेशियो डी, क्या दे रखा है इन्होंने, एम रेशियो एन। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपसे ये पूछेंगे, क्या पूछेंगे, सबसे पहली बात तो ये पूछेंगे आपसे कि ए रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, या फिर मान के चलिए आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ दे, या फिर ए रेशियो बी रेशियो डी पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे एक तो मैंने लिखा ही है, एक तो आपसे पूछा जा सकता है क्या चीज़, ए रेशियो डी पूछा जा सकता है, पहला और लास्ट का। ठीक, दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछी जा सकती है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जा सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपसे क्या पूछी जा सकती है, तीसरी पूछी जा सकती है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी ये तीन चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो आप तीनों को आराम से बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए मैं चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मैंने ए रेशियो डी अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे सर, सबका फर्स्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स को पी के साथ फिर एम के साथ, तो एक्स पी एम, फिर सेकेंड वाले को सेकेंड सेकेंड वाले के साथ, तो वाई क्यू एन। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए रेशियो डी, कुछ नहीं करना था। ठीक है, हर एक का न्यूमरेटर वाला पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ए रेशियो डी वो आपको मिल जाता है। ठीक, और आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, वो तो तरीका मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था, क्या करना है, इस पहले वाले से दोनों को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स पी, फिर आ जाएगा आपके पास वाई पी, फिर लास्ट में जाता है आपके पास वाई क्यू, ऐसे करके। ठीक है, ये रेशियो आ गया आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, और अगर आपको रेशियो निकालना, क्या चीज़, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसको कैसे निकालेंगे, चलिए आइए थोड़ी इस पर थोड़ी सी हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। कैसे निकलेगा एक बार मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या करना है, ए रेशियो, ठीक है, बी रेशियो सी रेशियो और डी, ऐसे आप लिख लें, तो ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो है एक्स और रेशियो वाई।
ठीक है। फिर उसके बाद बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है इन्होंने पी क्यू, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको पी क्यू, ठीक है। और अगर आप सी और डी का रेशियो देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है इन्होंने, सी और डी का रेशियो दे रखा है आपको इन्होंने एम एन, ऐसे करके क्या दे रखा है इन्होंने एम एन। तो कैसे बनाना है, यहाँ से आप एरो ऐसे खींचे, फिर एरो आप यहाँ से ऐसे खींचे, ठीक है। उसके बाद आपका एरो यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर उसके बाद आपका एरो, ठीक है, उसके बाद आपका एरो यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, ठीक है, फिर आपके बाद एरो यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करके। समझ में आई मेरी बात? तो कैसे करना है, आ जाओ मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ। ए का रेशियो यानी ए का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, एक्स क्यू एम, क्या जाएगा एक्स क्यू एम, ये आ गया ए का। बी का निकालने के लिए वाई क्यू एम, ठीक है, क्या आ जाएगा वाई क्यू एम, ये आ गया बी का। सी का निकालने के लिए वाई क्यू, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाई क्यू, सॉरी क्यू नहीं होगा, यहाँ पर होगा पी, ठीक है, यहाँ होगा पी, यहाँ पी होगा, पी क्यू होगा ना, पी और क्यू, तो आपको यहाँ पी करने की ज़रूरत है, आप यहाँ पी कर लें ऐसे करके। तो एक्स पी एम और जाएगा वाई पी एम, वाई पी एम, यहाँ भी पी होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा वाई क्यू एन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वाई क्यू एम, और यहाँ क्या आ जाएगा वाई क्यू एन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वाई क्यू एन। तो देखिए ये आपके पास रेशियो निकल के आया, बहुत सिंपल सा था, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, आइए मैं बहुत अच्छे तरीके से फिर से समझा दूँ कैसे मैंने लिखा, कैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, आइए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, समझना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, सिर्फ एक बार समझ जाओगे तो, ठीक है। ए रेशियो बी, रेशियो सी, रेशियो डी, ए और बी का रेशियो मेरे पास क्या है, ए और बी का रेशियो मेरे पास एक्स रेशियो वाई, ठीक है। बी और सी का रेशियो क्या है मेरे पास, बी और सी का रेशियो पी रेशियो क्यू, ठीक है। सी और डी का रेशियो क्या है, वो है मेरे पास एम रेशियो एन, ऐसे करके, ठीक है। ये मेरे पास था, ये मैंने अरेंज कर लिया, मैंने क्या बोला एक्स से पी पे जाओ, पी से एम पे जाओ, फिर वाई से पी पे आओ, फिर वाई से क्यू पे जाओ, फिर क्यू से एम पर आओ, फिर क्यू से कहाँ जाओ एन, ऐसे करके इस प्रकार से आप एरो बना लो। तो आप करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है, ए का रेशियो यानी कि एक्स पी एम, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास एक्स पी एम, ठीक है। y का रेशियो कैसे निकालेंगे, वाई पी एम, क्या आ जाएगा वाई पी एम, मेरे पास y का रेशियो आया। अगर आपको यहाँ से c का रेशियो निकालना है तो वाई क्यू एम, सॉरी वाई क्यू एम, तो हो जाएगा वाई क्यू एम इस प्रकार से, ठीक है। और अगर मुझे d का रेशियो निकालना है तो वाई क्यू एन, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास y, ठीक है, क्यू एन। तो देखिए ये मेरे पास आया है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार और पीछे से वीडियो को रिवाइज करके देखिए तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस से, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, किस तरह हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। आइए इससे आधारित कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, मैं और भी आगे बता दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आने वाले, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग बात कर लेते हैं, तब हमको बहुत अच्छा नहीं समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए इन्होंने दे रखा है कि ए रेशियो बी, क्या दे रखा है, थ्री रेशियो फोर, ठीक है, ये फोर है। फिर उन्होंने दे रखा है बी रेशियो सी, क्या दे रखा है आपको बी रेशियो सी, एट रेशियो नाइन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है सी रेशियो डी, उसकी वैल्यू कितनी है, ट्वेल्व इज टू थर्टीन, ये है सी रेशियो डी। तो उन्हें पूछा है कि ए रेशियो डी क्या होगा और ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, यानी दो चीज़ें आपसे इन्होंने पूछी हैं, कितनी चीज़ें पूछी हैं आपसे, दो। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, तो पहली चीज़ क्या पूछी इन्होंने कि ए रेशियो डी क्या होगा, दूसरी चीज़ इन्होंने आपसे पूछी है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये क्या होगा, यानी दो चीज़ें आपसे कैलकुलेट इन्होंने करवाया आपसे, ठीक है। तो मैंने बताया कि ए रेशियो डी निकालने के लिए हम उससे क्या करेंगे, इनके हर एक के पहले वाले टर्म्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थ्री मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई ट्वेल्व, ठीक है। इसे उसके बाद क्या करना है आपको, फोर मल्टीप्लाई, ठीक है, नाइन मल्टीप्लाई, और वहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, थर्टीन, ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ कट करना चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, ये थ्री से कटेगा थ्री बार में, ठीक है, ये कटेगा मेरा कितना बार में, दो बार में। अब तो ये मेरा कटने वाला है कितनी बार में, चार बार में। तो चार को दो से गुना करें कितना हो जाएगा, आठ, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास बचा थर्टीन, यानी एट रेशियो थर्टीन जो है मेरा आंसर हो जाएगा किसका, ए डी का रेशियो, ठीक है।
अगर मैं बात कर रहा हूँ ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी की, तो ये मेरे पास आंसर कैसे आएगा, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। देखो, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले मुझे लिखना है ए, फिर मुझे लिखना है बी, ठीक है, फिर मुझे लिखना है सी, फिर मुझे लिखना है डी। तो ए और बी का रेशियो कितना है दोस्तों, ए और बी का रेशियो 3:4, ठीक है। बी और सी का रेशियो कितना, बी और सी का रेशियो है 8:9, और उसके बाद सी और डी का रेशियो कितना, वो है 2:13, ये मेरे पास रेशियो है, ठीक है। तरीका मैंने क्या बताया, तरीका बताया यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है, और यहाँ से ऐसे जाना है, ये तरीका मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल सा है। तो ए का रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था 3 × 8 × 12, ठीक है, रेशियो। फिर क्या आ जाएगा, 4 × 8 × 12, फिर आ जाएगा 4 × 8 × 12, फिर हमारे पास क्या आएगा, 4 × 9 × 12, फिर आएगा 4 × 9 × 12, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 4 × 9 × 13, फिर आएगा 4 × 9 × 13। अब देखो, मेरे पास अगर कुछ कॉमन है दोनों में, तो सब में कुछ कॉमन है, तो उसको मैं काट सकता हूँ। 4 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 4 यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, और ये कटे बार, और 2 बार में, ठीक है। और मुझे अगर कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसको भी काट सकता था। मेरे पास 3 यहाँ कॉमन है, 3 इसमें 12 में कॉमन है, 3 यहाँ 12 में कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, तो मैं इसको 3 से काट दे रहा हूँ एक बार में। इसको काट रहा हूँ मैं कितने बार में, 4 बार में। इसको भी मैं काट रहा हूँ कितने बार में, 4 बार में। और इसको मैं काट रहा हूँ कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। और एक बार देखने की कोशिश करता हूँ, कहीं 3 और मुझे कहीं मिल जाए। इसमें तो मुझे 3 कॉमन नजर आ नहीं रहा, तो ऐसा करता हूँ मैं लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। तो देखिए कितने बार में यूज आएगा, 12 × 2 = 24, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा मेरे पास 32, और उसके बाद 9 × 4 = 36 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 33 × 39, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, रेशियो ऑफ दिस प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना आप टेंशन फ्री रहें, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और इससे ज़्यादा हार्ड और टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। मैं और भी कुछ क्वेश्चंस टाइप के करवा दूंगा आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, लेकिन आप भी टेंशन रहें कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 4:5। बी रेशियो सी दे रखा है इन्होंने 3:4। फिर ये बोल रहे हैं कि मेरे पास सी रेशियो डी जो है वो कितना है, 6:7, ठीक है, ये है। तो बोल रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी, है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी, ये इन्होंने हमसे पूछा है। चलिए आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं कैसे आंसर आएगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, सेम सिंपल तरीका से बनेगा, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी कितना दे रखा है ना, 4:5। फिर कितना दे रखा है, 3:4। फिर कितना दे रखा है ना, फिर दे रखा है 6:7। कैसे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको फिर लास्ट में गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है, और ऐसे गुना करना है, ठीक है, समझ में आया। तो आ जाओ देखो क्या आंसर निकलेगा, 4 को 3 से गुना, फिर 6 से गुना, तो हो जाएगा हमारे पास 4 × 3 × 6 रेशियो, फिर 5 को 3 से, फिर 6 के, तो 5 × 3 × 6 फिर रेशियो, फिर आ जाएगा 5 × 4 × 6, फिर हमारे पास क्या आएगा, 5 × 4 × 7, फिर आएगा 5 × 4 × 7, ठीक है। मैं कुछ काटने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या कटता है, ठीक है। अगर मैं 3 से काटूँ तो 3 इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें 2 से कट सकता है कुछ कुछ, आ जाओ मैं काट देता हूँ, 2 से कटेगा 2 बार में, इसको 2 से काटता हूँ 2 बार में, इसको 2 से काटता हूँ 3 बार में, और इसको 2 से काटता हूँ 2 बार में, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो अब तो मुझे 2 कहीं कॉमन नज़र आ नहीं रहा, इसमें 3 है नहीं, तो ऐसा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 और 6 = 36 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 9 × 5 = 45 हो जाएगा। और अगर आप यहां से देखें तो 10 को 5 से गुना 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, और यहां आप देखेंगे 10 को 7 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। देखिए तो ये आपके पास आ चुका है क्या चीज़, इसका रेशियो निकल के, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आई होप आपको समझ में आया हो गाइज, बहुत अच्छी तरीका से, बहुत आसानी तरीका से, ठीक है। चलिए आइए मैं एक और हमारी मैथड की तरफ बढ़ता हूँ, मैं एक और हमारे शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ता हूँ,
उस पे हम बात कर लेते हैं, उससे यहाँ तक ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, इससे ज़्यादा आगे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले। लेकिन मैं फिर भी आपको तीसरे टाइप का बता देता हूँ, अगर उस वहाँ तक अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ तक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो कैसे उसको करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं टाइप थ्री आपको बता रहा हूँ कि टाइप थ्री के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कैसे, जैसे अगर हमारे पास रेशियो दे रखा है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है हमको, ठीक है, डब्लू एक्स वाई और जेड ऐसे करके दे रखा है, ठीक है, एंड और हमको दे रखा है क्या जी, डी रेशियो सी, सॉरी ए बी सी डी ई, ठीक है, डी रेशियो ई दे रखा है, क्या दे रखा है इन्होंने, एम रेशियो एन, क्या दे रखा है, एम रेशियो एन। तो ये पूछ रहे हैं हमसे क्या, ये हमसे पूछ रहे हैं कि ए रेशियो, ठीक है, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक। तो वो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कैसे निकलेगा आ जाओ मैं बात करता हूँ। तो देखो ए रेशियो बी, फिर रेशियो सी, फिर रेशियो डी, फिर रेशियो ई, तो आ जाओ मैं क्या करूँगा, सबकी वैल्यू को पुट करता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास डब्लू, फिर है एक्स, फिर है वाई, फिर क्या है जेड, उसके बाद देखिए डी रेशियो ई, क्या डी रेशियो ई है आपके पास, हमारे पास एम इज टू एन, ऐसे करके डी रेशियो क्या हमारे पास एम इज टू एन, ठीक है, ऐसे करके मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और सिंपल करूंगा, मैं सॉल्व हो जाऊंगा मेरा प्रॉब्लम, ठीक। चलो आओ देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, ठीक है, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर आपको इससे इससे गुना करना है, और एक बार इसको इससे गुना करना है, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखिए क्या रेशियो मिलेगा हमको, ठीक है, इसका रेशियो डब्ल्यू को इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम रेशियो, फिर क्या हो जाएगा एक्स एम रेशियो, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास वाई एम, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास वाई एम हो गया, फिर हो जाएगा हमारे पास जेड एम, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा रेशियो जेड एन, ठीक है, ऐसे जेड एम जेड एन, देख रहे होंगे आप क्या किया मैंने, डब्ल्यू को एम से गुना किया डब्ल्यू एम, फिर एक्स को एम से गुना किया एक्स एम, फिर वाई को एम से गुना किया वाई एम, फिर जेड को एम से गुना किया जेड एम, फिर जेड को एन से गुना किया जेड एन। तो ये हमारे पास रेशियो निकल के आया किसका, ये हमारे पास रेशियो निकल के आया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, ठीक है, ये हमारे पास रेशियो निकल के आया है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इस प्रकार से रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, और कोई टॉपिक अगर आपका छूटा हुआ है जिसको आपको इंपॉर्टेंस लग रहा है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उस टॉपिक को भी मेंशन कीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि आपको उस कंटेंट को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। चलिए आइए मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ उस पर एक आध, उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे इसको, फिर हमारे आगे के चैप्टर्स को कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा फिर, ठीक है, फिर कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन मैं देखता हूँ, देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, क्या दे रखा है उन्होंने, थ्री रेशियो टू रेशियो फाइव रेशियो फोर, ऐसे, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि डी और ई का जो रेशियो है वो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थ्री रेशियो फाइव, ये हमको डी और ई का रेशियो दिया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा, किसका रेशियो क्या होगा, ए बी सी डी और ई, इसका रेशियो क्या होगा। तो आ जाओ सबकी वैल्यू पुट करो, थ्री रेशियो टू रेशियो फाइव रेशियो फोर, फिर उसके बाद थ्री रेशियो फाइव, ऐसे। तरीका क्या बताया मैंने, गुना करना है, गुना करना है, गुना करना है, गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, फिर हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स, फिर हो जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फिर हो जाएगा थ्री फोर जा, ठीक है, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फिर हो जाएगा टू फाइव फोर फाइव जा ट्वेंटी, ठीक है। देखिए ये मेरे पास आंसर आ जाएगा नाइन इज टू सिक्स इज टू फिफ्टीन इज टू ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आया तो, और अपना राय कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि आपका राय ही हमको ये मोटिवेट करता है कि हम आगे क्लास को कंटिन्यू करें या ना करें टॉपिक पर, इसलिए आप अपनी राय हमको जरूर दें बाय द कमेंट के, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक, अगले टॉपिक में मिलूंगा, टॉपिक फिनिश्ड, ठीक है, अगले टॉपिक में मिलूंगा, कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं, बाय, थैंक यू।